में लिखा था, उन्होंने किताब लिखी थी। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, यह उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और खाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। दो तीन उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है, मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का, भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है, एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहां नहीं रुकते। बीजेपी के लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। मंदसौर में बीजेपी की लेबोरेटरी में को गोली मारी जाती है, पे 18% और पेस्टिसाइड पे 12% जीएसटी लग जाती है। ठहरिए, बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। 12 साल की ट्रेन में रेप होता है। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी का काम। 45 सिलेंडर 11 और जहां भी देखो वहां पे प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्टलाइजेशन किया जा रहा है। ये काम बीजेपी के लेबोरेटरी में आपके सामने किया जाता है। बीजेपी के लेबोरेटरी में आदिवासी जिला है। बीजेपी के नेता
आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। ये मतलब था आडवाणी जी का जब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी बनेगी को करके दिखाया है। आदिवासियों के बीच आया हूं तो आपके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। देखिए, शब्द बहुत जरूरी होते हैं। जब कमलनाथ जी भाषण देते हैं, हमारे नेता भाषण देते हैं, सोनिया भाषण देते थे, मैं भाषण देता हूं, ऐसी शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने हमारे मुंह से कभी वनवासी शब्द सुना है? आदिवासी शब्द बीच में फर्क क्या है? आदिवासी शब्द का मतलब हिंदुस्तान के आदिवासी जो यहां पहले आए थे। आदिवासी शब्द का मतलब जो पहली जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। मतलब ये कोई खोखला शब्द नहीं है, इसका मतलब हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आपका सबसे पहला हक बनता है, यह है इसका मतलब। दूसरी तरफ वनवासी मतलब आपका जमीन पे हक नहीं बनता, आप तो जंगल में रहते हो। इसीलिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। और जब कोविड का समय आता है तो जो जानवर को भी खिलाया नहीं जा सकता वो मध्य प्रदेश के